आप गायब होके सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? ये सवाल हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर उभरता है कि अगर वो इंसानों के सामने मौजूद रह के भी उनकी आंखों से ओझल हो सके तो कैसा हो। ऐसे मनाजिर आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज़ में तो ज़रूर देखे होंगे, पर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आज की दुनिया में भी वजूद रखती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये हमारे इस्तेमाल के लिए कब अवेलेबल होंगी। इंग्लिश राइटर हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जो कि नॉवेल द इनविजिबल मैन के ऑथर हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि इस दुनिया में पाए जाने वाली हर चीज़ रोशनी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती है। ये लाइट रेस को एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करती है, जिसकी मदद से इंसान अपनी आंखों से उस चीज़ को देख सकता है। बग़ैर रोशनी के किसी भी चीज़ को देखा जाना नामुमकिन है। ग्लास, जिसमें से ज़्यादातर रेस बग़ैर किसी डिफ्लेक्शन के पास हो जाती है, वो भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये कुछ लाइट वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन तसव्वुर करें कि आप एक ग्लास शीट के सामने खड़े हैं जिसे आपकी आँख नहीं देख पा रही। ऐसे में यकीनन आप उस ग्लास से टकरा जाएंगे। लेकिन हकीकतन ऐसा कुछ पहले ही हमारी इस दुनिया में मौजूद है। ब्रुकहेवन नेशनल लेबॉर्ट्री में मौजूद मैनो मटीरियल के साइंसदानों ने इस तर्ज का ग्लास बना लिया है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। पर ट्रांसपेरेंट मटीरियल को गायब कर देना, ये तो कोई कमाल नहीं। कमाल तो ये है कि इंसानी हाथ को गायब कर दिया जाए, या फिर पूरे इंसान को, या फिर एक बहुत बड़े फाइटर प्लेन को। ऐसा करने के लिए आपको ये तरीका खोजना होगा कि कैसे हम रोशनी से बच सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के साइंसदानों ने इसका तोड़ निकाल लिया है, वो भी सिर्फ 4 लेंसेज की मदद से। हर लेंस लाइट को इस तरह बैंड करता है कि हर 2 लेंसेज के बीच में एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, जहाँ रोशनी की कोई किरण नहीं पहुँच पाती। अगर आप कोई छोटी सी चीज़ उस ब्लाइंड स्पॉट पे रख दें तो वो बिल्कुल गायब हो जाती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में बहुत सी खामियां हैं। अगर आप उस चीज़ को लेंस की मदद से देखते हैं तब तो वो आपको नहीं दिखाई देगी, पर अगर आप उसको डायरेक्ट देख लें तो ये चीज़ आपकी नज़रों के सामने हो। कियो यूनिवर्सिटी के इंजीनियर सुसु मुटाची ने गायब होने के लिए एक दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्होंने एक ऐसा गिलाफ बनाया है, अगर कोई इंसान वो गिलाफ ओढ़ ले तो वो मंदिर से गायब हो जाता है, जैसा कि हैरी पॉटर मूवी में हैरी के पास होता था। ये टेक्नोलॉजी काम इस तरह करती है कि इंसान के पीछे का मंजर कैमरा की मदद से प्रोजेक्टर को ट्रांसमिट किया जाता है, और प्रोजेक्टर उस इमेज को गिलाफ पर ट्रांसमिट कर देता है। इस टेक्नोलॉजी को कामयाब इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अगर वो शख्स जिसने यह गिलाफ पहना है या उसे देखने वाला शख्स अपनी जगह से मूव हो जाए तो ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह एक्सपोज हो जाती है। ऐसा मेथड आपको लेबॉर्ट्री की सिर्फ 4 दीवारी में गायब रख सकता है। 4 दीवारी से बाहर गायब होने के लिए आपको ज़रूरत है मेटा मटीरियल्स की। ये ऐसे मटीरियल्स हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे बेंड कर देते हैं। लेकिन इन मेटा मटीरियल्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से ये बड़े ऑब्जेक्ट्स को गायब नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर वो ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं। लेकिन क्वांटम स्टेल्थ, जो कि कनाडा की ईजाद है, को आइडियल मेटा मटीरियल्स तसव्वुर किया जा सकता है। ये एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब लाइट इसमें से पास करती है तो वो सीधी जाने के बजाय फैल जाती है और हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से कई ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं और इन स्पॉट्स में रखी हुई कोई भी चीज़ गायब हो जाती है। ये क्वांटम फैब्रिक ट्रांसपेरेंट होने के बायस खुद को मंजर में ढाल लेता है। ये ईजाद गायब हो जाने की इस कला के करीब तर तसव्वुर की जाती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में भी कुछ खामियां हैं। इस क्वांटम स्टेल्थ को आप गिलाफ की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गायब किए जाने वाले ऑब्जेक्ट को फैब्रिक से एक ख़ास फासला बनाए रखना ज़रूरी है। क्योंकि मिलिट्री साजो सामान मुसलसल हरकत में रहते हैं, तो ऐसी सूरत में इम्कान ये है कि वो क्वांटम फैब्रिक से
मुसलसल खास फासला बनाए ना रख सकें। इस मसले का हल स्क्विड के ज़रिए से मुमकिन है। स्क्विड एक ऐसा कीड़ा है जो गिरगिट की तरह खुद को अपने माहौल के मुताबिक ढाल लेता है। स्क्विड की ये खासियत उसके जिस्म में मौजूद ख़ास किस्म के प्रोटीन रिफ्लेक्टिन की वजह से मुमकिन होती है। इस प्रोटीन के इस्तेमाल से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ड्यूक यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक थिन फिल्म ईजाद की है जो कि रंग तब्दील करने की सलाहियत रखती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हल्की रोशनी में काम करती है। लेकिन एक अमेरिकन आर्किटेक्चर कंपनी GDS आर्किटेक्ट ने बुलंदोबाला इमारत को गायब करने का मंसूबा तैयार किया है। इस बिल्डिंग का नाम है इन्फिनिटी, जो कि साउथ कोरिया के शहर इंचियोन में बनाई जा रही है। बिल्डिंग के आर्किटेक्ट प्लान के मुताबिक इसकी ऊंचाई 450 मीटर या 1480 फीट होगी। बिल्डिंग को शीशे और कंक्रीट की मदद से तैयार किया जाएगा और इस बिल्डिंग को जिस चीज़ की मदद से गायब किया जाएगा वो है LEDs। जो भी मंजर बिल्डिंग के पीछे मौजूद होगा उसे LED पर नशर किया जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होगा कि बिल्डिंग की जगह कुछ मौजूद ही नहीं, लेकिन बिल्डिंग के जॉइंट्स वाज़े तौर पर देखे जा सकेंगे, जिससे बिल्डिंग की मौजूदगी का एहसास होगा, जो कि इस प्रोजेक्ट की खामी है। अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एस्ट्रा मेडोरा ने प्लाज्मा इनविजिबिलिटी टेक्नोलॉजी की ईजाद की है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंसान के बनाए गए ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा मटेरियल बनाया गया है जो कि लाइट को पूरे ऑब्जेक्ट पे पड़ने से पहले ही फैला देता है और कोई वेव ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। अब तक प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की मदद से साइंसदान सिर्फ छोटे ऑब्जेक्ट ही बना सके हैं, लेकिन साइंसदानों का ये दावा है कि मुस्तकबिल करीब में वो इस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की मदद से फाइटर प्लेन्स बनाने के काबिल हो जाएंगे, जो कि ना सिर्फ इंसानी आंखों से ओझल होंगे बल्कि रडार की रेंज से भी बाहर होंगे। लेकिन इंसानियत के लिए ये ईजाद तबाहकुन हो सकती है। आप देख रहे हैं उर्दू जी न्यूज़।